हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 19 to 21 के सॉल्यूशंस देखेंगे, जिसका आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कैट और आई पी मैट के एस्पिरेंट्स के लिए। तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखना। और आप में से जितने भी लोग नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हर क्वेश्चन के आगे आपको ऑप्शंस के आगे कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ दिख रही होंगी। ये वही परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों ने ये ऑप्शंस लगाए हैं। जैसे 19th क्वेश्चन जो है, ए ऑप्शन 5% लोगों ने टिक किया था, बी ऑप्शन 11%, देन 63, 49, 7% लोगों को, और 7% लोगों को इस क्वेश्चन से यानी बन नहीं पा रहा था। तो ध्यान से एक एक का सॉल्यूशन देखना। और ये सब क्वेश्चन का अगर आप लोग चाहो तो एक अलग से एक छोटा सा रजिस्टर बना सकते हो, पतला सा, उसमें ये सब क्वेश्चन लिख लिया करो। और एग्ज़ाम के पहले एक आध हफ्ते पहले इन सबका रिवीजन जरूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई भी हमारा कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, catipmat.com, इस पर जाके आप परचेस कर सकते हो। और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लो। ठीक है, शेयर ज़रूर करा करो। ठीक, तो 19th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रेजेंट सम दिया हुआ है 800 हो गया, अमाउंट उसका 800 हो गया 2 ईयर्स में, है ना, और 3 ईयर्स में हो गया 920। अब प्रेजेंट सम ऑफ मनी पूछा है। ठीक है, अब देखो, जब SI और CI टाइप का पूछना दिया हो तो हमारे लिए आसान क्या रहेगा, हम SI से सॉल्व कर लें। ये IBM रोहतक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो, एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 120, है ना, 920 माइनस 800। ठीक है, अब 2 साल में अमाउंट हो गया था 800, मतलब पी अगर वैल्यू होगी तो 1 साल बाद वो पी प्लस 120 हो जाएगा, अगले 1 साल बाद फिर से प्लस 120 हो जाएगा, क्योंकि SI में इंटरेस्ट सेम रहता है। ये अमाउंट हो गया होगा 800, प्रेजेंट सम पूछा था, तो 800 में से हमें सिर्फ क्या माइनस करना था, 240, तो क्या आ जाएगा, 560। ठीक है, 560 आ जाएगा। आई थिंक सी ऑप्शन में 560 था, ये आप हमारे YouTube कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर लेना। तो अगर सी ऑप्शन में 560 था तो आंसर सी हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक, आई थिंक 560 था, तो ऑप्शन सी ठीक है, आंसर तो 560 है। और हाँ, हमारे YouTube कम्युनिटी सेक्शन में हमने अभी एक क्वेश्चन नंबर 22 पुट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंज है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन पे उसका सॉल्यूशन जरूर बताना। ठीक है, YTCQ 22, है ना, अभी आप कम्युनिटी सेक्शन पे जाओगे तो वो दिख जाएगा, सॉल्यूशन उसका जरूर बताना, चैलेंज है आपके लिए। ठीक, 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, x से सबसे बड़ा है, फिर z, फिर y, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y प्लस z प्लस x इज इक्वल टू 18 लाना है मुझे, और नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 से स्टार्टिंग होगी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी आप लोगों के दिए हुए आंसर है, देखते हैं कि कितने परसेंट लोगों का सही था। तो लास्ट क्वेश्चन तो मैक्सिमम परसेंटेज लोगों का सही था, इसका देख लेते हैं। देखो, वाई सबसे छोटा है, नेचुरल नंबर है, तो 1 ही ले लो। अब क्योंकि जेड को वाई से ज़्यादा लेना है तो 2 लेके देख लेते हैं। एक्स क्या हो सकता है, जेड से भी बड़ा, तो एक्स क्या हो सकता है, 18 समीशन चाहिए हमें, तो 2 + 1 = 3 हो चुका, 15 + 3 = 18 होता है, तो एक ये केस हो जाएगा। वाई को अभी आप 1 ही रहें तो जेड को आप 3 ले लो तो ये 14 हो जाएगा, वाई को 1 ही रहने दो, इसको 4 ले लो तो ये 13 हो जाएगा, है ना, फिर ये 5 तो ये 12, ये 6 तो ये 11, ये 7 तो ये 10, ये 8 तो ये 9, ये 9 तो वो 8 पॉसिबल नहीं होगा, तो सिर्फ इतने ही केस बनेंगे। ठीक है, जब वाई 1 रहेगा तो ये टोटल केस आप काउंट कर लो, कितने हो गए, 7 केस हो गए। ठीक, इसे आप मैनुअली कर सकते थे, आराम आराम से भी करोगे तो विद इन 2 मिनट्स ये आराम से हो जाता। ठीक है, अब वाई को 2 लेते हैं तो ये 3, ये 13 हो जाएगा। अब वही चीज, अब इसके 2 वाले केस, ये 4, 12, है ना, ऊपर से आपको अंदाजा लग गया होगा, फिर भी लिख लो, 5 11, 6 10, 7 9, 8 8, है ना, 8 8 ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इक्वल भी नहीं होना चाहिए।
तो ये कितने केस हो गए, 5 केस। अब 3 वाले ले लो, है ना, 3, 4, 7 और 11, 18, फिर 5, 10, 6, 9, 7, 8, ये कितने केस हो गए, 4। ठीक, अगला 4 ले लेता हूँ, ये आ जाएगा, फिर ये 6, 8, अगला 7, 7 तो पॉसिबल नहीं होगा, बस 2 ही केस बनेंगे 4 के, अगला 5, इसके बाद 6, 5, 6, 7, आगे कोई केस ही नहीं बनेगा, ये अपने आप में एक ही केस है, क्योंकि फिर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12, 12 + 7 19, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 19, ऑप्शन डी। 19 दिया था 21% लोगों ने, तो 21% का सही था, बाकी सबके ये आंसर गलत थे। था ना अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपी मेट और कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देख लेना और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स जो भी बना रहे हो उसमें जरूर सॉल्व करना। अगला 21, इसका भी देख लेते हैं। 5 persons wearing badge with number 1, 2, 3, 4, 5 seated 5 chairs around a circular table. In how many ways can they be seated so that no 2 persons whose badges have consecutive number are seated next to each other? तो देखो, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 बना लो। 1 को इधर फिक्स कर देता हूँ, तो 2 देखो इधर इधर नहीं आ सकता, या तो यहाँ आएगा, या एक और डायग्राम बना लेता हूँ, अगर 1 इधर है तो 2 या तो इधर आएगा, 2 ही पॉसिबल केस थे। अब 2 के बाद मुझे 3 लिखना है, तो 3 इधर और इधर नहीं आ सकता, तो 3 के लिए एक ही पोजीशन बची, ये ठीक है। अब देखो 4 लिखना है, 4 इधर नहीं आ सकता, 4 के लिए एक ही पोजीशन बचेगी और 5 के लिए भी फिर एक ही पोजीशन बचेगी। सिमिलरली 2 इधर आता तो 3 इधर आता, फिर 3 इधर आता तो 4 इधर आता, 4 इधर आता तो 5, तो एक ही एक केस बनेंगे। तो टोटल 1 को अगर फिक्स कर दिया तो कितने केस बने, 2। तो आंसर आप 2 भी लगा सकते थे, लेकिन लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, 2 अरेंजमेंट्स ऑप्टेंड बाय रोटेशन अराउंड अ टेबल आर कंसिडर्ड डिफरेंट, है ना, मतलब इसके अराउंड अपन रोटेशन करेंगे तो वो भी केस डिफरेंट आएंगे। तो देखो 5 पीपल थे, तो अगर 1 को फिक्स किया था फिर 2 को भी कर सकते, 3, 4, 5 सबको कर सकते थे, तो 5 केसेस वो हो जाएंगे, तो टोटल 5 × 2 कितने केस हो जाएंगे, 10, ऑप्शन सी। 46% का ये सही था, है ना, तो अच्छी बात है, 46% लोगों का ये सही हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन जो 22 है, YTCQ 22, वो आप जरूर सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है, और चैलेंज है, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।